Hello students, today's lesson is finite and non-finite form of verbs. You know student, जो verb की following five forms होती हैं, जैसे कि infinitive form, bare infinitive, present participle, past tense और past participle. अब जो infinitive form है वो for example to be, to have, to do, to hit, to be, to go. और जो bare infinitive form है वो आप suppose करें कि is, are, am, beat, beat, go, goes. Listen with carefully. Bear, ठीक है, bears, play, plays. ये हैं bare infinitive forms. उसके बाद है present participle, having, doing, hitting, beating, going. ये हैं present participle form. उसके बाद हैं past tense, had, did, went, wrote, broke. उसके बाद past participle form जो हैं, जो कि third form है, done, hit, beaten, gone, written. ठीक है, ये हैं forms. अब जो finite और non-finite form of verbs हैं, उनमें जो difference है वो आपको मैं example से समझाती हूँ. देखें, ये जो example है finite forms. Finite forms of verb are those forms of the verb which can be used alone as main verb of a sentence. जो finite forms of verb हैं वो होती हैं जो कि सिर्फ sentence में main verb के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. I love my Pakistan, तो love जो है उसमें ये है finite forms, इसको किसी की help की ज़रूरत नहीं. They loved their country, इसमें loved जो है ये है फाइनाइट फॉर्म. ठीक है, ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है. अब जो जो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं, वो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर दोज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच कैन ओनली बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब आर मॉडल वर्ब. आप देखें जो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं वर्ब की, वो एग्जाम्पल देखें, आई एम टू वर्क हार्ड. अब इसमें जो एम है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब है, और टू वर्क ये है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ही इज़ वर्किंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने जो हमारा नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने यूज़ की है. तो ऐसी जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं उसको हम नॉन फाइनाइट फॉर्म्स बोलते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.